बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लगी है। आग से किसानों का फसल जलकर खाक हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं की खेत में आग लगी है। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाया है। बता दें कि आग से किसानों का फसल जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों की सहायता से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसानों ने आर्थिक मुआवजा की अब मांग उठाई है। चकिया के तिलौरी रसूलपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर किसानों ने आर्थिक मुआवजा उठाने देने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंडा में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के जरिए 24 घंटे के भीतर 254 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही 16 अवैध असलहा, अवैध शस्त्र और 480 लीटर देशी शराब बरामद की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 4 भट्टी भी नष्ट की गई है। वहीं पंचायत चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आपको बता दें कि भारी मात्रा में अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो सघन अभियान चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए, उसी के तहत पिछले 24 घंटे के अंदर NBW पुरस्कार घोषित वांछित इन सभी के खिलाफ जो अभियान चला है, उसके तहत 254 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 68 वारंटी अभियुक्त हैं, शस्त्र अधिनियम में 21 अभियुक्त हैं, वांछित अभियुक्त विभिन्न धाराओं में 12 है, आबकारी अधिनियम जो शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 2 घरों में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान इस आग में जलकर राख हो गया है। आग देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 घरों में भीषण आग लगी है और आग में जलकर काफी सामान भी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान अंदाजा लगाया जा रहा है कि जलकर राख हुआ है और आग को देखकर आसपास लोगों में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची हालांकि दमकल की गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ठटिया थाना क्षेत्र के पटकपुर बरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी है कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। इस बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्नौज में संदिग्ध अवस्था में 27 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। इसके बाद आपको बता दें कि इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना से वहीं जहां एक तरफ परिजनों में कोहराम का माहौल बना हुआ है, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआ का है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई है। इस पर अभी पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है।